श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहगोपी तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्धजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणलता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजं कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकतरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विवरौ धर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् पुरङ्गीद्युषां वक्षो यप्रणीकृते विलसति स्निग्धोङ्गरावोङ्कः काश्मीरं तलशोणमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तलहरी बिर्व्याजमातङ्गते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैन्दरुत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्रानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्रीसनातनप्रभो करुणाम्बुराशि हे रूपदुर्गतजनैकदयावलोक हे भट्टयुग्मसुमते रघुनाथदास श्रीजीव मे कुरुतु मन्दमते हृदयान्तरा तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः बोलो शुकृन्दावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद् विदग्ध माधव नाटक चौथा अंक जिसमें 20वें श्लोक का प्रसंग चल रहा था, इसके पूर्व प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी पाद ये दर्शन कराए कि श्री श्याम सुंदर के मुख से जब श्री चंदावली जी से मिलते समय बोतस्खलन हुआ। बोतस्खलन का मतलब है कि नायिका है कोई और नाम ले लिया जाए किसी अन्य नायिका, तो ऐसा गोत्रस्खलन हुआ। मधुमंगल ने कहा कि मेरा सखा है श्री चंद्रावली जी आपकी निरंतर निरंतर याद करता है, और श्याम सुंदर बीच में ही इसी बात को कहते हुए बोल बैठे कि विपुलांतरे मिलंती मधुरसा शीतल स्पर्शा समझने तो बिरहे ममताप लुप्तये राधा। चंद्रावली जी नाराज हो गई, बोले तुम तो राधा को बुला रहे हो। श्री श्याम सुंदर तुरंत ही अपनी बात को बदलते हुए कह रहे हैं, बोले जी भी तो है जरा पलट गई, धारा की जगह राधा निकल गया, मैं तो राधा कह रहा, राधा भी कह रहा था धारा।
तो प्रिय धारा धारा ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर ने जिस समय बात कही श्री चंदावली जी को, उस समय नाक नहीं रही है और गर्ष्ठ मान मुद्रा इनको प्रकट करते हुए श्री चंदावली जी इसी बहाने को लेकर के पधारे। श्री श्याम सुंदर से ये कहकर के प्यारे मुझे महाकाली पूजन करने के लिए, भद्रकाली पूजन करने के लिए मुझे जाना है, ऐसा कहकर के बहाना बना करके श्री चंदावली जी निकल गई। श्याम सुंदर उस समय सुवल के साथ में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि सुवल तुमने देखा 13वें श्लोक में पिछली बार मूत्रण कराए थे कि चंदावली जी महान खूब मौन धारण किए हुए हैं, परंतु चंद्रावली जी के व्यवहार में कहीं भी रूखापन नहीं आया और उदात्त मान उसको प्रकट करते हुए व्यवहार परम परम आदर का ही श्री चंद्रावली जी का प्रकट हो रहा है। नेत्रों में सरलता विराजमान है, वाणी में विनम्रता विराजमान है, आदर पूरा पूरा दिया जा रहा है, परंतु उनके दाक्षिण्य में इस सरलता में उदारता में उनका वाम भी प्रकट हो रहा है। ये सब प्रसंग हो गया है। श्री मधुमंगल उस समय कह रहे हैं, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि भैया चल अब इस बकुल कुंज में बैठ करके मैं चंद्रावली के संगम के उपाय को ढूंढता हूं। यहां तक का प्रसंग हो गया था। सुवर कह रही है भैया ये निराधिका नहीं है बल्कि ये तो कुंज सराधिका है, राधिका से युक्त होकर के ही विराजमान है, इतने में ही श्री राधा रानी का आगमन होता है। श्री श्याम सुंदर वहां बैठे हुए राधा रानी का ध्यान कर रहे हैं, इतने में ही श्री मधुमंगल और पद्मा ये दोनों प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण सुवल का आलिंगन करते हैं, कह रहे हैं भैया चलो तुम तो। सुवल ने जब कृष्ण को श्री राधिका का स्मरण कराया तो श्री कृष्ण सुवल को संग में लेकर के और उस समय चले जाते हैं केशव कुंज में चले जाते। तो यहां तक इतनी बात हुई कि इति निष्क्रांत श्री कृष्ण सुवल को, सुवल जो है उनको लेकर के चले गए। 15वें श्लोक के पहले देखिएगा मधुमंगल उस समय कह रहे हैं पद्मा से कि अभी पद्मा मैंने सुना है कि श्री कृष्ण ने चाटुकारता पूर्वक चंद्रावली जी को प्रसन्न करना चाहा, चंद्रावली उठ के चली गई है। पद्मा जी कह रही है हाँ यही समस्या है, बात तो ऐसी ही है। बोले अब श्री चंदावली के साथ में श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त कराए इसके लिए हम दोनों को प्रयत्न करना चाहिए। पद्मा जी कह रही हैं कि इसीलिए मैं आपके पास में आई हूं, कोई प्रयत्न करो जिससे मेरी सखी श्री चंदावली का श्याम सुंदर के साथ में मिलन हो। मधुमंगल सामने कह रहे हैं बोल दो मेरा सखा यहां पर भोरों के साथ में बातचीत करते हुए केशव कुंज में विराजमान है, हम इनकी बातचीत को सुनते। श्री कृष्ण वहां पर बैठे हैं और बैठकर के श्री राधिका का स्मरण कर रहे हैं। अब यहां पर भ्रम उत्पन्न हो रहा है। 15वां श्लोक देखें
कि प्रसरत यद ध्रुव चापे श्लथज्यम अक्रोत स्मरो धनु पौष्पम मधुरम मणि मंजुषाय भूषाय इंद्रे प्रिया सास्तु। 15वां श्लोक है। कृष्ण राधाम स्मरण सोत्कंठम। श्री कृष्ण राधिका का स्मरण करते हुए उत्कंठित होकर के कह रहे हैं कि प्रसरत यद ध्रुव चापे कि श्री प्रिया, अब कृष्ण तो विचार कर रहे हैं राधिका का और छुप करके सुन रहे हैं पद्मा और मधुमंगल, ये विचार कर रहे हैं, ये समझते हैं कि कृष्ण चंद्रावली जी का ध्यान कर रहे हैं। अब यहां पर ये गड़बड़ हो रही है, झमेला हो रहा है ये कि श्री कृष्ण चंद्रावली जी से के चले जाने पर केशव पुनी में आए हैं और वहां ध्यान कर रहे हैं श्री राधिका का, और मधुमंगल और पद्मा ये दोनों विचार कर रहे हैं कि चंद्रावली से कृष्ण को मिलाया जाए, और श्री कृष्ण के वचनों को जब सुनते हैं तो ये समझ रहे हैं कि ये चंद्रावली जी का ध्यान कर रहे हैं। अब कृष्ण की दृष्टि से, श्री कृष्ण की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। श्री कृष्ण राधिका का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि पुसरत यद ध्रुव चापे। 15वां श्लोक है कि श्री राधिका जिस समय अपने भौरूपी धनुष को तानती है उस समय श्लथज्यम अकरोत स्मरो धनु पौष्पम, उस समय कामदेव अपने पुष्प धनुष को व्यर्थ समझ करके उसकी प्रत्यंचा खोल देता है कि अरे ये काम इसकी प्रत्यंचा की कोई जरूरत नहीं है, श्री राधिका उनके भौं के आगे मेरे धनुष को कौन पूछे, ये विचार करके पराजित होकर के कामदेव अपने धनुष को खोल देता है। श्री राधिका के भौं चाप भ्रू चाप उसको संभालने पर कामदेव अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को खोल देता है कि राधिका की भौं की तुलना में मेरा धनुष प्रभावशाली हो ही नहीं सकता, श्याम सुंदर के ऊपर प्रभाव डालने वाला नहीं हो सकता है। मधुर मणि मंजूषा, ऐसी मधुर मणि की सुंदर मंजूषा के समान प्रेम रूपी मणि जिनके हृदय में विराजमान है और जिनका श्रेय प्रेम मणि की ही सुंदर मंजूषा है, ऐसी वे श्री प्रिया भूषाय प्रिया शास्त्रों, तब वो अवसर होगा जब मेरा अलंकरण करने के लिए मेरी आभूषा रूप बनकर के मेरे भूषण रूप बनकर के मेरे कंठ के से लगी हुई विराजमान होंगी, तब मैं अपनी प्रिया को अपने पास में देखूंगा। तो मधुरमा की मधुरमा ही एक मणि है, उसकी सुंदर मंजूषा के रूप में श्री राधिका का स्वरूप कब भूषाई मेरा श्रृंगार करते हुए विराजमान होगा, अर्थात प्रिया के साथ मैं विराजमान होकर के मदन मोहन इस नाम को सार्थक करूंगा, क्योंकि राधिका के संग में जब कृष्ण विराजमान है उस समय में मदन मोहन है, अन्यथा विश्व मोहन होने पर भी स्वयं कामदेव से मोहित हो जाते हैं। तो कृष्ण तो ये विचार कर रहे थे श्री राधिका को लेकर के, परंतु छुप करके सुन रहे हैं मधुमंगल और पद्मा जी चंद्रावली जी की सखी, और ये मन में विचार कर रहे हैं कि कृष्ण हमारी सखी श्री चंद्रावली जी का ध्यान कर रहे हैं, तो दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मधुमंगल भी चाहते हैं चंद्रावली से श्री राम कृष्ण का मिलन हो, और पद्मा जी भी चाह रही है कि मेरी सखी चंद्रावली से कृष्ण का मिलन हो, तो दोनों प्रसन्न हो रहे हैं। और मधुमंगल पद्मा के पास में आकर के कहते हैं, पद्मे पश्य पश्य देखो देखो प्री वयस्य शक्त मात्र सहाय, मेरा मित्र प्री वयस्य भौरों के साथ में युक्त होकर के पद्मे ये क्या कह रहा है, पद्मे एष उत्कंठया तरु प्रिय सखी में वर्णयति, ये उत्कंठा पूर्वक
तुम्हारी सखी का ही वर्णन करता है। अच्छा, चंद्रावली जी का वर्णन कर रहा है, इसके आप संदेह की जरूरत नहीं है। तद त्वरितं गत्वा एनं समाने आवह, हम जल्दी से इनके पास में जाते हैं और कृष्ण को लेकर के अपनी सखी चंद्रावली जी से मिला देते हैं। पद्मा जी कह रही हैं कि मधुमंगल आप कह रहे हो सो तो ठीक है, आर्य सुष्ठु निष्टंकितम, तुमने ठीक पहचाना, फिर भी श्रुणुमः, हमने ये सुना है कि बहुबल्लभो एषा, श्याम सुंदर बहुत सी नायिकाओं से प्रीति करते हैं, इसलिए थोड़ा सा देख लेना चाहिए और इनकी बात को पूरा होना चाहिए। श्री कृष्ण उत्सुकता पूर्वक कह रहे थे, सा मुख सुषमा निर्जित राका चंद्रावली लसन मध्या, कि सा मुख सुषमा श्री मेरी प्रिया, अब कृष्ण राधिका के विषय में कह रहे हैं कि सा मेरी वे प्रिया श्री स्वामिनी राधिका अपनी मुख सुषमा से निर्जित राका चंद्रा, राका के पूर्णिमा के चंद्रमा को भी जीत लेने वाली है, और बली लसन मध्या त्रिवली उनकी कमर में सुशोभित हो रही है, तीन रेखाएं उनकी कमर में सुशोभित हो रही है, पर बोलने में चंद्रा और बली लसन मध्या, ये चंद्रावली शब्द आ गया और मधुमंगल ने कोई सुना, मधुमंगल कह रहे हैं आ लोग अब तो चंद्रावली का नाम ले रहे हैं कि सामुख सुषमा निर्जित राखा चंद्रावली रसन मध्या, जिन्होंने अपनी मुख सुषमा से राखा माने जिन्होंने पूर्णिमा को भी पराजित कर दिया है, और चंद्रावली रसन मध्या वे श्री चंद्रावली सुंदर लसन मध्या, जिनकी कटी मध्यमा ने कटी कमर बड़ी सुंदर सुशोभित हो रही है, ऐसी ये प्रिया हाय मैं कब देखूंगा, अभी बाकी पूरा नहीं हुआ है, बस चंद्रावली रसन मध्या ये जो सुना कि आज जिनकी परम सुंदर कटी है ऐसी चंद्रावली कब मुझे मिलेंगी, इस बात को सुना नहीं है, बाकी पूरा नहीं हुआ है, चंद्रावली नाम सुनकर के ही मधुमंगल जल्दबाजी में करने लगे, बोले पद्मे अलम अलम अब देर लगाने की जरूरत नहीं है, इतना परम श्रुतेनो इसके आगे सुनने की जरूरत ही नहीं है, पूर्णम गच्छावः, अब हम जल्दी से जाते हैं और जल्दी से जाकर के चंद्रावली जी को यहां बुला लाते हैं, ऐसा कहकर के इत्युभौ जवेन दूरम परिक्रामता, ऐसा कहकर के दूर निकल जाती है। श्री कृष्ण पीछे से कहते ही रह गए, इन्होंने सुना ही नहीं कि मोह आभास्यते राधा मधुरसे रसिका किम आत्मानम, विषय राधिका तव मेरे वक्षस्थल की कंठहार बनकर के विराजमान होगी, मुह आधा से थी पुनः स्थापित करेंगी राधा माने श्री राधिका मन और रसी मेरे वक्षस्थल के ऊपर, रसिका रस को प्रदान करने वाली श्री राधिका किम आत्मानं, क्या अपने आप को स्थापित करेंगी मेरे वक्षस्थल के ऊपर, अपने आप को कब विराजित करेंगी, अर्थात मेरे कंठ की हार कब बनेंगी, परंतु इस बात को पद्मा और मंगल ने सुनाई नहीं, वे तो जल्दबाजी में चंद्रावली पहली पंक्ति में चंद्रावली जो नाम आया था बस उसको सुनकर के ही चंद्रावली जी को लेने के लिए दौड़ गए। पद्मा कह रही है कि आर्य एवं भ्रामी, एक बाप कुछ दूर गए दूर तक चले गए, फिर पद्मावली पद्मश्री पद्मा जी बीच में कह रही हैं कि मधुमंगल हे आर्य एवं भ्रामी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा कहना चाहती हूं कि मानिन्या प्रिय सख्या
स्वयं समागमेन लाघवं भविष्यति। मेरी सखी मान करके रूठ करके गई है चंद्रावली जी। अब यदि चंद्रावली स्वयं यदि यहां पर आती है तो उनके स्वाभिमान में थोड़ी कमी आ जाएगी, लघुता आ जाएगी। माननी है तो अब रस की रीति तो ये कहती है कि नायक को ही नायिका को मनाने के लिए जाना चाहिए। नायिका यदि स्वयं मनाने के लिए आती है नायक को तो उसमें कहीं उसके रस की कमी हो जाती है, उसके गौरव में कमी हो जाती है। तो यदि प्रिय सखी पहले तो मांग करके गई और फिर स्वयं ही आ जाए तो कहीं ये बात हो गई कि लो तुमको अपनी नाक ही नीची करनी पड़ी और तुम खुशामत करने के लिए, कृष्ण ये कहेंगे खुशामत करने के लिए तुम हमारे पास में दोबारा आ गई हो। तो यदि सखी स्वयं अभिसार करेगी तो स्वयं अभिसारिका होने पर या स्वयं दूती बनने पर नायिका की कहीं महिमा थोड़ी कम हो जाती है, उसका गौरव उतना नहीं रहता है। तो हम चंद्रावली को बुला करके तो ला तो रहे हैं परंतु सखी का गौरव थोड़ा कम हो जाएगा। तो मुझे ये बात जम नहीं रही है। तत्परावृत्ति हो कृष्ण विज्ञा कर, चलो चलो अपन वापिस चलते हैं। और वापिस चल करके श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरी सखी मान जाएगी, चलो आप सखी को बुला करके ले आओ, आप अभिशाप। तो कृष्ण को ही राधिका चंद्रावली के पास में ले जाते हैं बजाय कि चंद्रावली कृष्ण के पास में आए। ऐसा कहकर के आप ही दूर जाकर के पद्मा और मधुमंगल दोनों के दोनों कृष्ण के पास में लौट आई। मधुमंगल कह रहे हैं कि हाँ पद्मा सखी तू कह तो सही रही है, चल अपन कृष्ण को ही बुला करके ले आते हैं, शोभनक मंत्र है सी, तुम ठीक कह रही हो। प्रिय वैश्य पच्छन्न भूत्वा सर्वंते आकर्षितम, ऐसा कहकर के कृष्ण के पास में आए और कृष्ण को झिझोड़ते हुए बोले ओ भैया कृष्ण, ओ भैया कृष्ण। कृष्ण एकदम चौंक रहे हैं। श्री मधुमंगल बोले श्री कृष्ण के पास में आकर के कि प्रिय वैश्य के हे मित्र प्रच्छन्नेन भूत्वा सर्वंते आकर्णितं भया उत्कंठा वचनम, भैया मैंने छिप करके तेरे उत्कंठा वचनों को सभी उत्कंठा वचनों को सुन लिया है, मैंने तेरे उत्कंठा वचनों को सुन लिया है। तब आज्ञा पर मुझे को आज्ञा प्रदान कर, तामेव तद बल्लभाम त्वरितम समानयाम, मैं तेरी प्रिया पुंच को अभी यहां ले आऊं। यहां पर जो बात नाम नहीं खोला तामेव तत् प्रिया, कृष्ण समझ रहे हैं कि लाएंगे श्री राधिका को, पर तो मधुमंगल विचार कर रहे हैं ये कम्युनिकेशन गैप कितना है, बात को समझाने में जरा सा कहीं बात यदि पूरी नहीं कही गई तो कितना अंतर हो जाए। कृष्ण समझ रहे हैं राधिका को लाने की बात कह रहा है जबकि मधुमंगल उस समय ला रहे हैं श्री चंद्रावली जी को। तो मधुमंगल कह रहे हैं कि मुझे आज्ञा दो तुम्हारी बल्लवा प्रिया को अभी लेकर के आता हूं। ऐसे जो कहा श्री कृष्ण सश्लाघम आलिंग एकदम प्रसन्न होकर के मधुमंगल को गले से लगा के कह रहे वाह भैया वाह। ऐसा कहकर के सखी मत अनुग्रहण शीघ्र आवे, मेरे ऊपर कृपा करके शीघ्र ही श्री प्रिया को ले आओ। अब ये भी नहीं समझ रहे प्रिया कौन है, नाम कह देते तो बात खुल जाती, बोले प्रिया को ले आओ। मधुमंगल समझ रहे चंद्रावली जी को ले आओ जबकि कृष्ण कह रहे हैं श्री राधिका को पास में बुला। मधुमंगल परिक्रम्य पत्नया सह निष्क्रांता, ऐसा कहकर के मधुमंगल उस समय
पद्मा जी को साथ में लेकर के चलो चलो ऐसा कहकर पद्मा को साथ में लेकर के बाहर चले गए श्री चंद्रानंद जी को लेने के लिए। और श्री कृष्ण उत्कंठित होकर के अपने कुंज में वही केशव कुंज में आनंद पूर्वक विराजमान है। कृष्ण बैठे हुए केशव कुंज में ये पद्मा जी को बुला पद्मा श्री चंद्रानंद जी को बुलाने के लिए दोनों के दोनों चले गए। पहले तो बात ये थी कि कृष्ण को ले जाएंगे चंद्रावली जी के पास में, पर कृष्ण ने जब ये कहा उनको छोड़ो छोड़ो झगड़ा अपन चंद्रावली जी को ले आते तो बात चंद्रावली जी आ सकती हैं ये बात पहले ही अपन जान चुके हैं। ये रस सिद्धांत में बात पहले ही प्रकट है कि कृष्ण की कुंज में चंद्रावली जी अभिशाप करती है, परंतु राधिका की कुंज में कृष्ण को ही अभिशाप करना पड़ता है। श्री प्रिया अपनी कुंज में जाती है वहां श्याम सुंदर को बुलाती है क्योंकि मदीयत अभिमान है, प्यारे तू मेरा है ये राधा रानी का अभिमान है। चंद्रावली जी में ये अभिमान है कि प्यारी मैं तेरी हूं, इसके चंद्रावली जी श्री कृष्ण की कुंज में स्वयं अभिशाप कर सकती है, इसलिए दोनों संभावना है। चंद्रावली की कुंज में कभी कृष्ण भी जा सकते हैं, चंद्रावली जी भी आ सकती हैं, पर प्रिया जी मन गए राधा रानी, इसलिए राधा रानी की कुंज में कृष्ण को ही अभिशाप करना पड़ता है। वे जरा ठसक लगती है, तू मेरा है इसलिए तुम आओ मेरे कुंज में, मैं तुम्हारे कुंज में क्यों आऊं, ये भाव श्री राधा रानी में विराजमान। अब श्री कृष्ण राधा रानी के स्मृति में श्री मुकुंजेश्वरी प्रियाजू की राशेश्वरी की स्मृति में ऐसे विराजमान है एठ में श्यामाजू की स्मृति में कि उनकी अब उत्कंठता जो नायक दशा है उत्कंठित नायक की दशा उस नायक की दशा का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अहो परमोत्कंठानां प्रेमणां उत्पन्न था परमोत्कंठानां प्रेमी जनों की प्रेम में कैसे प्रेमी जनों को एक प्रेम उत्कंठा प्रदान कर देता है उसका आज मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं आज यह सहज अनुभव कर रहा हूं कि परमोत्कंठानां जो विरही व्यक्ति है उसको प्रेमणा प्रेम के कारण कैसे उत्कंठा कारित्वम कैसे वह उत्कंठित हो जाता है इसका मैं अनुभव कर सकता हूं कि परमोत्कंठ कंठित व्यक्तियों को प्रेम में कैसी उत्कंठा होती है इसका मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरी आज कैसी दशा हो रही है मैं अनुभव कर रहा हूं कि भ्रमरे पे गुंजती यदि भोरा भी कहीं गूंजता है निकुंज कोटरे इस निकुंज के बीच में कहीं भोरा भी गूंजता है तो मन ते मनस्तो मन नूपरत ध्वनि उस समय मेरा मन ऐसा मानता है मन ते माने मानता है मनस्तु माने मेरा मन यह मानने लगता है कि मन नूपरत ध्वनि आहा प्रिया की देखो देखो नूपुर की ध्वनि आ रही है प्रिया आ रही है तो कहीं भोरा भी गूंजता है तो मुझे ऐसा लगता है मेरा मन ऐसा कहता है कि प्रिया के नूपुर की ध्वनि आ रही है और प्रिया ही आ रही है। और इसी तरह से अनलेन चंचत त्राण चले यदि कहीं तिनका भी अनलेन माने वायु के द्वारा चंचती माने हिलता है तो ताम पुरता प्रियाम उपगताम विसंगति मैं प्रिया को ही उपगताम माने पास में आई हुई विषम कते माने मांगने लगता हूं तो अनलेन चंचति वायु के द्वारा भी हिलने पर त्राण चले माने एक तिनके के हिलने पर भी ताम प्रियाम उन प्रिया को पुरता उपगताम विषम कते मैं सामने ही उपस्थित देखने लगता हूं। ये प्रेमी की सही दशा है। इतने में प्रविशति पद्मा मधुमंगलाभ्याम संगता चंद्रावली मधुमंगल और पद्मा
ये दोनों के दोनों चंद्रावती जी को लेकर के चले आए। श्री कृष्ण तो ऐसे वार्तालाप करेंगे इतनी देर में प्रिया जी, ये दोनों जाएंगे प्रिया चंद्रावती से कहेंगे, उनको मना करके लाएंगे, इतनी देर श्री कृष्ण ये व्यवहार करते रहे। चंद्रावती जी उस समय पद्मासी कह रही है कि हलापद में किमेश बकुल कुंजो दृश्यते, क्या ये ही बकुल की कुंजी है, माने आम काय भेद है बकुल, उस बकुल की कुंजी यही है क्या? पद्मा जी कह रही है अतिकिम, हाँ हाँ यही तो है। तत्पूर्ण में ही अरे सखे जल्दी आ जल्दी आ, ऐसा कहकर कि शिवप्रिया जो चल रही है चंद्रावली जी, श्री कृष्ण के कान में प्रिया की नूपुर की ध्वनि पड़ती है। अभी सामने नहीं आई है, दूर से नूपुर ध्वनि सुन रही है। हंत भूरिशो भ्रामितोस्मी भ्रमरी झंकारे, कह रहे हैं हाय ये भोरी मुझे बहुत परेशान करती है, बार बार मुझे भ्रम में डाल देती है कि प्रिया आ रही है, प्रिया आ रही है। मैं उठ उठ करके झांकने लगता हूं, दौड़ दौड़ करके जाता हूं, देखता हूं कोई नहीं आ रहे, ये तो भौरी भ्रमर गुंजार कर रही है। सो भूरी शर्मा ने कई कई बार भ्रामितोस्मी भ्रमरी झंकारे, इन भौरियों ने मुझे बहुत भ्रमित कर दिया है। तद अलम वृथा प्रत्युद्गम संग्रमे मिलो, अब नहीं उठता हूं, व्यर्थ में प्रत्युद्गम संगम प्रिया को संभालने के लिए, संगम प्रिया को अभ्युत्थान करने के लिए मैं जो उठ करके खड़ा होता हूं, संभ्रम माने आदर दिखाता हूं, इस आदर को दिखाने की जरूरत नहीं है। संभ्रम कहते हैं आदर, प्रिया को पधराने के लिए आदर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह करके इति उद्वेगम ना कहती। कृष्ण बैठे रहते हैं, परंतु बैठे बैठे ही तुरछू मुरछू हो रहे हैं, देख रहे हैं, बस चंचल हो रहे हैं, यहाँ तो नहीं आई, वहां तो नहीं आई, वहां से तो नहीं आ रही है, मार्ग की ओर ही श्री कृष्ण व्याकुल होकर के देख रहे हैं। और कहने लगते हैं पुरक फलायाम आशानम जनक कामम विड़म्बयते, कि जब आशा फलीभूत होने वाली होती है तो व्यक्ति को वो आशा कामम विड़म्बयते उसको और अधिक परेशान करने लगती है, क्योंकि आसन्ने घनारम्भे